हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा बेनिफिशियल इंसेक्ट सिल्क वॉर्म। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन इज अ मेजर एक्टिविटी इन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में इनमें से कौन से जो कि मेजर एक्टिविटी है, कल्टिवेशन ऑफ फूड प्लांट फॉर सिल्क वॉर्म, रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या प्रोडक्शन ऑफ मलबरी। तो मेजर एक्टिविटी कौन सी है, कल्टिवेशन ऑफ फूड प्लांट फॉर सिल्क वॉर्म। इस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कल्टिवेशन ऑफ फूड प्लांट फॉर सिल्क वॉर्म इज अ मेजर एक्टिविटी इन सेरीकल्चर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज अ यंग एज सिल्क वॉर्म। इनमें से कौन है जो कि यंग एज सिल्क वॉर्म है। मींस क्वेश्चन है कि रियरिंग ऑफ यंग एज सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है, जो यंग एज सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्यूपा, एडल्ट, स्पाइनिंग वॉर्म्स या चावकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज अ यंग एज सिल्क वॉर्म, या रियरिंग ऑफ यंग एज सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर की डी क्या हो जाएगा, चावकी, ठीक है। रियरिंग ऑफ यंग एज सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड चावकी, या यंग एज सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड एज चावकी। ये भी याद रखना है कि कितने टेम्परेचर पर रियर किया जाता है, तो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80 to 90% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उतने पर ये रियर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, डैश एंड डैश आर द टू मेन प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। इनमें से कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि मेजर प्रोड्यूसर हैं सिल्क की, चाइना एंड जापान, चाइना एंड बर्मा, चाइना एंड इंडिया या चाइना एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो जो दो मेजर कंट्रीज है वो है चाइना एंड इंडिया। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चाइना एंड इंडिया आर द टू मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूमर कौन है, इंडिया, ठीक है। इंडिया इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड। देन क्वेश्चन नंबर फोर, द सिल्क वॉर्म स्पिन कोकोन्स आफ्टर। जो सिल्क वॉर्म है कोकोन को स्पिन करता आफ्टर फोर्थ माउल्ट, थर्ड माउल्ट, आइदर ए और बी या सेकेंड माउल्ट, ठीक है। तो कितने माउल्ट के बाद वो कोकोन को स्पिन करता है, तो फोर्थ माउल्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फोर एक, करेक्ट, ठीक है। इस सिल्क वॉर्म स्पिन कोकोन आफ्टर फोर्थ माउल्ट। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, सिल्क इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम डैश सेलेवरी ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द डैश ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है, ठीक है, वो किसका प्रोडक्ट है, सेलिवरी ग्लैंड का, विच इज़ फाउंड ऑन द डैश ऑफ द सिल्क वॉर्म, ठीक, कहाँ पर पाया जाता है। तो सिल्क इज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम टू सेलिवरी ग्लैंड विच इज़ फाउंड ऑन द हेड ऑफ द सिल्क वॉर्म। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो सेलिवरी ग्लैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, हेड पर, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क फिलामेंट इज। सिल्क फिलामेंट में जो दो मेन प्रोटीन है कौन कौन सी होती हैं, फिब्रोइन, सेरिसिन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो मेन प्रोटीन की बात करें तो फेब्रोइन और सेरिसिन दोनों हमारी क्या है, मेन प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ, करेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर सी, फेब्रोइन एंड सेरिसिन आर द मेन प्रोटीन फाउंड इन सिल्क। ये भी परसेंटेज पूछा जा सकता है कि फेब्रोइन का, अगर पूछे कि फेब्रोइन का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 75%, ठीक है। और सेरिसिन का कितना परसेंट है, 25%, ठीक। याद रखना है फेब्रोइन मेजर जो है, मेजर पार्ट है 75% और सेरिसिन 25%। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सलाइवा बाय सिल्क वॉर्म इज। जो सलाइवा का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है सिल्क वॉर्म के द्वारा, वो कैसा होता है, फिगर जेड, मीन्स जेड शेप का होता है, या एस शेप का होता है, या एट का, जैसे एट फिगर बनता वैसे, या थ्री, ठीक है। तो कैसा सलाइवा का पैटर्न होता है, एट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, फिगर एट, ठीक है। मीन्स वो स्पिन कैसे करता है सलाइवा को पैटर्न, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एट शेप में वो करता है। देन क्वेश्चन नंबर एट, पेब्राइन इज अ डैश डिसीज ऑफ बॉम्बेक्स मूरी, ठीक है। बॉम्बेक्स मूरी सिल्क वॉर्म है, उसकी जो पेब्राइन है वो कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, फंगल डिसीज है, या प्रोटोजोअल डिसीज है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिल्क वॉर्म का इंपॉर्टेंट डिसीज भी है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोजोवन, ठीक है। पेब्राइन इज अ प्रोटोजोवन डिसीज, ठीक, याद रखना है। पेब्राइन कैसी है, प्रोटोजोवा, जो कि होती किसके द्वारा है, ये पूछा जा सकता है, तो नोजेमा, ठीक है, बॉम्बेसिस, याद रखना, नोजेमा बॉम्बेसिस एन, ठीक है, ये एन है, नोजेमा बॉम्बेसिस के द्वारा होता है, जो कि एक प्रोटोजोवा है, पेब्राइन डिसीज को कॉज करता है सिल्क वॉर्म में, मेजर डिसीज है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, ममीफाइड प्यूपा इज ड्यू टू, जो प्यूपा है वो ममीफाइड हो जाता है किसकी वजह से, पेब्राइन, ठीक है, किस डिसीज़ की वजह से, मुस्कैरिडिन, ठीक है, यहाँ पर सी ए आर होगा, यहाँ पर स्पेलिंग इसकी करेक्ट हो जाएगी, एम यू एस सी ए आर डी आई एन ई, ठीक,
ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ पर आर मिसिंग है। तो मुस्केरेडाइन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मोमीफाइड प्यूपा किसकी वजह से होता है? मुस्केरेडाइन। मिस ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और ये डिसीज किसकी वजह से होती है ये भी पूछ सकता है, तो फंगस की वजह से, ठीक। ये कैसी है? एक फंगल डिसीज है, ठीक है। मुस्केरेडाइन कैसी है? एक फंगल डिसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ डैश इन द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। हमें सिल्क वॉर्म जब कल्टीवेट करते हैं तो क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए? सोरेलिया, ठीक है, कॉर्सलीफोलिया या स्ट्रेप्टोमाइसिन या बैसिलस थ्रुजेंसिस या एम्पिसिलिन, ठीक है। तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? बैसिलस थ्रुजेंसिस, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, बैसिलस थ्रुजेंसिस। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मूंगा सिल्क वॉर्म इज स्पेसिफिक टू, जो मूंगा सिल्क वॉर्म है वो किस स्टेट के लिए स्पेसिफिक है? राजस्थान के लिए, तमिलनाडु के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए या असम के लिए, ठीक है। तो मूंगा सिल्क वॉर्म को असम सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि किसके? असम सिल्क। मूंगा सिल्क वॉर्म को हम लोग असम सिल्क के नाम से भी जानते हैं, और ये गोल्डन कलर, ठीक है, याद रखना है, गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर, ठीक है, गोल्डन येलो कलर। तो मूंगा सिल्क वॉर्म स्पेसिफिक कहाँ पर? असम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसे हम लोग असामियन सिल्क बोलते हैं, असम सिल्क, और गोल्डन येलो सिल्क होता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ राइट, इसमें से कौन से राइट है? तसर सिल्क वॉर्म, इस कहाँ पर आपको नाम देना है कौन सा, एंथ्रिया मेलाइटा, ओक तसर सिल्क वॉर्म, एंथ्रिया असामिनेंसिस या मूंगा सिल्क वॉर्म, फिलो सैमिया रेसिनी या इरी रेशम, एंथ्रिया पायरली, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट कौन है? तो तसर सिल्कवॉर्म, मिस एंथिया माइलिटा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर पेस्ट ऑफ सिल्क वॉर्म, इस सिल्क वॉर्म का जो मेजर पेस्ट है वो क्या है? वैस्प, यूजी फ्लाई, नाइसोलिनिक्स या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मेजर पेस्ट कौन है? यूजी फ्लाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, द सिल्क ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ, जो सिल्क होता है सिल्क वॉर्म का वो क्या होता है, कैसा होता है? सेपरेट फिलामेंट, ठीक है, सिल्क वॉर्म इज अ सेपरेट फिलामेंट, कॉन्टिन्यूस फिलामेंट, सेवरल फिलामेंट या डिस्क्रीट फिलामेंट। तो सिल्क ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन विच इज अ राइट सिक्वेंस ऑफ द पोस्ट कोकोन एक्टिविटी, पोस्ट कोकोन एक्टिविटी में राइट सिक्वेंस क्या है? वीनिंग, ट्विस्टिंग, डाइंग या डीगमिंग, ट्विस्टिंग, डाइंग, डीगमिंग या वीनिंग या ट्विस्टिंग, डीगमिंग, डाइंग, वीनिंग या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? वेनिंग से, देन डाइंग, देन डीगमिंग एंड देन ट्विस्टिंग। तो पोस्ट एक्टिविटी सबसे बाद में क्या आएगा? ट्विस्टिंग, देन डीगमिंग, देन डाइंग, देन वीनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, द विजन ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का विजन क्या है? स्ट्रेंथन द लेवल ऑफ इफिशियंसी थ्रू द कॉन्टेमिनेंट ऑफ क्वालिटी, सी इंडिया इमर्ज एज अ लीडर इन द वर्ल्ड मार्केट ऑफ सिल्क फॉर सिल्क, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन ऑल स्टेजेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मेजर जो विजन है सिल्क बोर्ड का वो क्या है, कि सी इंडिया एज अ इमर्ज एज अ लीडर इन द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। इंडिया को क्या है, एक अच्छे पोजिशन पर ले जाना है कि लीडर बने वर्ल्ड मार्केट में सिल्क के, ठीक, सिल्क के लिए, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 17, द मिशन ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का मिशन क्या है? मेक कॉन्टिन्यूस एफर्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, देन टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव द लेवल ऑफ इनकम इन सेरिकल्चर थ्रू स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी थ्रू द कॉन्टेमिनेंट ऑफ क्वालिटी या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मिशन क्या है, सभी मिशन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रल सिल्क बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया? फॉर 1946 में, 1947, 1948, 1959, ठीक है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया? 1948। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड एट या इन, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो कहाँ पर लोकेटेड है? रायपुर में है, जामनगर में है, दिल्ली में है या बंगलोर में, ठीक। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी। और पूछा जाएगा कि रॉ सिल्क का मेजर जो प्रोड्यूसर कौन है, तो कर्नाटका, बेंगलोर, याद रखना है, मेजर सिल्क जो रॉ सिल्क है उसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, तो कर्नाटका। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द पोस्ट कोकोन एक्टिविटी, इनमें से कौन है जो कि पोस्ट कोकोन एक्टिविटी है? स्टेफलिंग, रीलिंग, ब्रशिंग या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो पोस्ट कोकोन एक्टिविटी कौन सी है? ऑल ऑफ द अबव, मीन्स रीलिंग, ब्रशिंग एंड स्टिफलिंग आर द पोस्ट कोकोन एक्टिविटीज। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ अ डोमेस्टिक स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म, इनमें से कौन है जो कि डोमेस्टिक स्पीसीज है सिल्क वॉर्म की? बॉम्बेक्स,
बर्निया या बॉम्बेक्स मेंड्रियाना, बॉम्बेक्स साइनेंसिस या बॉम्बेक्स टेक्सटोर। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो कि डोमेस्टिक स्पीसीज है सिल्क वॉर्म की, तो वो कौन सी हो जाएगी, बॉम्बेक्स मेंड्रियाना। ठीक, ऑप्शन नंबर मेंड्रियाना बी करेक्ट। ठीक, देन इन वर्ड यूनिवोल्टाइन, वोल्टाइन स्टैंड फॉर, वोल्टाइन का मतलब क्या होता है, ब्रूड फ्रीक्वेंसी, कोकोन फ्रीक्वेंसी, वॉर्म फ्रीक्वेंसी या सिल्क फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यूनिवोल्टाइन का, यूनिवोल्टाइन में जो वोल्टाइन का मतलब होता है वो क्या होता है, ब्रूड फ्रीक्वेंसी। यूनि का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ट्राई है तो थ्री और टेट्रा है तो फोर। ठीक है, मीन्स कितने बार वो जो ब्रूडिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टाइन। देन क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर डैश टाइप ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म, कितने प्रकार के सिल्कवॉर्म्स होते हैं, टू टाइप्स, वन टाइप, फोर टाइप या थ्री टाइप। ठीक है, पूछा है मलबरी सिल्कवॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो टू टाइप, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर डैश मेजर टाइप ऑफ सिल्क फॉर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, अगर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कितने प्रकार के सिल्कवॉर्म हैं इंडिया में, थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स, फाइव या सिक्स टाइप्स। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, फाइव टाइप्स आर द मेजर टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, द इरी सिल्क वॉर्म इज और एन, तो इरी सिल्क वॉर्म है वो कैसा है, यूनिवोल्टाइन है, मल्टीवोल्टाइन है, बाईवोल्टाइन है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो इरी सिल्क वॉर्म है वो मल्टीवोल्टाइन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट, इरी सिल्क वॉर्म इज अ मल्टीवोल्टाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।